हजारीबाग जिले के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी, डॉल्फिनो रिजॉर्ट में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को आयोजकों द्वारा दी गई। डॉल्फिनो रिजॉर्ट डॉल्फिनो फ्रेंचाइजी के मुख्य प्रबंधक विकास कुमार ने उपस्थित मीडिया कर्मियों को बताया कि आईपीएल की तर्ज पर डीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में लगभग 12 फ्रेंचाइजी अपनी अपनी टीमों के साथ इस टूर्नामेंट में किस्मत आजमाएंगे। कहा कि खिलाड़ियों का निबंधन 5 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा, साथ ही फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों का ऑक्शन डॉल्फिनो रिजॉर्ट में 9 अप्रैल से प्रारंभ होगा। फ्रेंचाइजी में एमडीएम फ्लोरेस्टा, पैंथर, आरोग्यम, बुलफाइटर, डॉल्फिनो एलिगेंट, संत जोन, गैलेक्सी हाई स्कूल शामिल हैं। श्री कुमार ने आगे कहा कि टूर्नामेंट के मैच छड़वा एवं संजय सिंह स्टेडियम में खेले जाएंगे। कहा कि इस टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि लगभग 10 लाख रुपये है। मौके पर उपस्थित करण जायसवाल ने टूर्नामेंट के लोगों का अनावरण करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं में खेल के प्रति रुझान बढ़ता है, साथ ही उन्हें एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध होता है। प्रेस वार्ता में रवि सिंह, नजीर अंसारी, शान सैयद, मनोज सिन्हा, कुणाल कुमार, अमित गुप्ता, अंकित गुप्ता, शेखर लाल, संजय गुप्ता, विशाल कुमार एवं शेखर सिन्हा समेत कई अन्य मौजूद थे। मन संचालन अमिताभ श्रीवास्तव ने किया। हजारीबाग ब्यूरो, प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। आईपीएल के तर्ज पे डीपीएल का फाउंडेशन किया गया है, इसका शुरुआत किया है ताकि सेम प्लेटफॉर्म, सेम एक्सपीरियंस, सेम एक्सपोजर प्लेयर्स को, हमारे यहाँ के प्लेयर्स को मिल पाए। कब से शुरुआत होगी ये? 10 अप्रैल को, 10 या 9 अप्रैल को ऑक्शन डेट रखा जा रहा है और 22 अप्रैल को इसकी शुरुआत होने वाली है। कितने टीम भाग लेगी? ये हम लोग, हमारा खेल के प्रति शुरू से रुझान रहा है और हम लोग सब मित्रगण बैठे हुए थे और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अब हजारीबाग में क्रिकेट के प्रति लोगों का रुझान कम होता जा रहा है तो क्यों ना इसे कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे इसमें बढ़ोतरी लोगों को मिले, प्लेयर्स को कुछ मिले। या आपका टूर्नामेंट के क्या रूपरेखा होगी, पूरा विस्तृत जानकारी दीजिए। कब टूर्नामेंट प्रारंभ होगा, कब खत्म होगा, कितनी टीमें काम में भाग लेंगी और फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या टर्म कंडीशन है, खिलाड़ी कैसे भाग लेंगे? खिलाड़ी इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जा रहा है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की सुविधा है। प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट 5 अप्रैल तक का है। ऑक्शन उसके बाद सभी जो फॉर्म भरा जाएगा उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस होगा, जिसमें अभी 9 फ्रेंचाइजी टीम पार्टिसिपेट कर चुकी है और अगर करना चाहते हैं तो 2 से 3 फ्रेंचाइजी टीम का जगह है हमारे पास, अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकते हैं। इसका शुरुआत 22 अप्रैल को है और लगभग 20 से 25 दिनों का ये टूर्नामेंट चलेगा। किन किन मैदानों पर होगा हजारीबाग में? ये अभी तक छड़वा डैम के पास एक बहुत ही सुंदर सा ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड, वहाँ पर किया जा रहा है। विल्स लास्ट का 5 मैच विल्स ग्राउंड में किया जा रहा है जो नाइट होगा एंड अभी ये फिलहाल 2 ग्राउंड। हजारीबाग जब क्रिकेट एसोसिएशन, उसका क्या आपको मदद मिल पा रहा है? थोड़ा कुछ हद तक मिल पा रहा है लेकिन हम चाहेंगे कि इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले ताकि क्रिकेट को हम और अच्छे से बढ़ावा दे सकें। पहला संस्करण कितना सक्सेसफुल रहा? पहला जब डीपीएल मैंने स्टार्ट कराया था तो मेरे अंदर भी काफ़ी डर था कि पता नहीं ये फॉर्मेट को हजारीबाग समझ पाएगा या नहीं, बट मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये इसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत ही अच्छा ये टूर्नामेंट साबित हुआ। हम लोग एसोसिएशन की तरफ से कराते थे जो चेस और आर्चरी आपको देखे थे, ये एक सेपरेट आयोजन है, ये डॉल्फिन स्पेशली विकास भैया लोग अरेंज करते हैं, हम लोग साथ में ऑलवेज रहते हैं एज अ सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि हम लोग इस खेल के प्रेमी और ये खेल हम लोग पर्सनली खेलना बहुत पसंद है। तो जैसे हम बताए कि हम लोग लॉकडाउन में खूब खेलते थे इनके साथ, वहाँ से ही हम लोग फिर वैसे ही हमारा ग्रुप बना, वहीं से एक मन था कि इस टाइप का टूर्नामेंट कराया जाए, वहीं से इनका एक कंसेप्शन था, वहीं से हजारीबाग में क्या कुछ करेंगे। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे और हालांकि जो हम बताया हम नहीं थे बट फिर भी हम फॉलो करते थे, तो जिस लेवल का पॉपुलैरिटी था, जिस लेवल के स्पॉन्सर्स ये लोग उठा पाए थे, बहुत सारी चीज़ें थी। उस हिसाब से भी हम लोग इस बार एंटिसिपेट कर रहे हैं कि स्केल उससे एटलीस्ट 2x बिगर रहेगा एंड इन ड्यू कोर्स बिकॉज ये चुनाव से भी थोड़ा भीड़ आया तो थोड़े कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, नेक्स्ट ईयर इसको हम लोग और बड़ा करते हैं।